राजीव गांधी टेक्नो रैली का आयोजन बहुजन विचार मंच के द्वारा रविवार को किया गया है। इस रैली में राजीव गांधी के जीवन पर 10 से 12 झांकियां बनाई गई हैं। इस रैली की शुरुआत अजनी चौक से होकर संविधान चौक पर होगा। इसका समापन ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान बहुजन विचार मंच के अध्यक्ष द्वारा दी गई है। बहुजन विचार मंच द्वारा टेक्नो यात्रा का आयोजन रविवार को किया गया है। इस टेक्नो रैली में राजीव गांधी के जीवन पर झांकियां बनाई हैं, जिसे पंचायत राज, महिला आरक्षण, दूरसंचार क्रांति, कंप्यूटराइजेशन ऐसे उन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, उसी पर आधारित इस टेक्नो यात्रा में झांकियां रहेंगी। ये एक थोड़ी वेगळ्या पद्धतीची रैली राहणार आहे। यामध्ये राजीव गांधीच्या जीवनपटावर आम्ही एक झांकिया बनवलेली आहे, म्हणजे राजीव गांधींनी ह्या देशाला, ह्या युवकांना जे योगदान दिलं त्याच्या असे वेगवेगळ्या आपण झाक्या बनवले आहे। जसं पंचायत राज, जसं राजीव गांधी जयंती, तर पंचायत राजची एक झाकी राहील, 33% महिला आरक्षणाची एक झाकी राहील, दूरसंचार क्रांतीची एक झाकी राहील, कम्प्युटरायझेशन, डिजिटायझेशन अशा वेगवेगळ्या 10 ते 12 झाक्या राहतील। आणि ही राजीव गांधी चौक म्हणजे अजनी चौकातून ही रॅली सुरुवात होईल आणि संविधान चौकात ही समाप्त होईल। इस यात्रा में काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राऊत, युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार और प्रमुख वक्ता के तौर पर कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार और युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी होंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।